हर हर महादेव। भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्रों का, हमारे उपनिषदों का, हमारे ग्रंथों का, लेकिन इन ग्रंथों की सोच लोगों तक नहीं पहुंची। हमारी भारतीय संस्कृति भी यही कहती है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। विशाल हृदय वालों के लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। यह एक संस्कृत जानने वाले की सोच है। संस्कृत बोलने वाला पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत बोलने वाला पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और अंग्रेजी बोलने वाला विश्व को बाजार मानता है। यही सोच का अंतर है कि परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है, केवल व्यापार, शुद्ध व्यापार। लेकिन ये कौन बताएगा लोगों को, ये कौन समझाएगा लोगों को कि यह है वो भारतीय संस्कृति जो पूरी पृथ्वी, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने की भावना रखती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सर्व की बात करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व की बात कौन करता है, लोग तो अपनी अपनी बात करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये ज्ञान जो छिपा पड़ा है पुस्तकों में, केवल इसलिए क्योंकि यह भाषा मृतप्राय होती जा रही है। यह भाषा केवल मंत्रों के उच्चारण के लिए बन गई है। इसलिए आज मैं सुषमा स्वराज आप लोगों से अनुग्रह करती हूँ कि इस भाषा को मृतप्राय होने से बचा लीजिए। धन्यवाद।